मुंबई में मुकेश अंबानी के आवास एंटेलिया की सुरक्षा सोमवार को अचानक बढ़ा दी गई। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक टैक्सी ड्राइवर का फोन आया था, जिसने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी टैक्सी में बैठे दो लोग एंटेलिया के लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर ने यह भी कहा कि दोनों व्यक्तियों के पास एक बैग था। मुंबई पुलिस सूचना देने वाले टैक्सी ड्राइवर का बयान दर्ज कर लिया है और उसके बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। मुंबई पुलिस ने एंटेलिया के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी है, वहीं बैरिकेटिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। पुलिस को अब उन दोनों संदिग्धों की तलाश है जो टैक्सी वाले से एंटेलिया के बारे में पूछताछ कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सूचना देने वाले टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि वो दो लोग थे, जिनमें एक दाढ़ी वाला शख्स था, जिसने किला कोर्ट के पास उससे एंटेलिया की लोकेशन पूछी थी। उन दोनों के पास एक बैग भी था। इस सूचना के बाद मुंबई पुलिस उस इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महानगर में नाकेबंदी कर छानबीन की जा रही है। मुंबई पुलिस के आला अधिकारी खुद इस मामले की जांच पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बताते चले कि मुंबई में 27 मंजिला एंटेलिया की प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने परिजनों के साथ रहते हैं। इसी साल 25 फरवरी को एंटेलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से लदी एक कार बरामद की गई थी। उस गाड़ी में एक धमकी भरा नोट भी पुलिस को मिला था, जिसमें अंबानी परिवार को धमकी दी गई थी। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी खूब उबाल आ गया था। छानबीन में वो गाड़ी मनसुख हिरेन नामक एक कारोबारी की निकली थी, जो एक हफ्ते पहले ही अपनी कार चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा चुका था। लेकिन इस मामले में सुर्खियों में आने के बाद सप्ताह बाद मनसुख हिरेन की लाश मुंब्रा की क्रिक में पाई गई थी। इस पूरे मामले की साजिश रचने के आरोप में मुंबई क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था, जो अभी भी जेल में बंद है। उसे पुलिस सेवा से बर्खास्त भी कर दिया गया था।